वेलकम बैक टू माई चैनल शिवमोनी। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको यहाँ पर पायल बनाना बताऊंगी। ये पायल मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाई हुई है। इस पायल को आप अपने राधा रानी या कान्हा जी के लिए भी बना सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक पायल का डिज़ाइन बनाकर रखा हुआ जो कि बिल्कुल मार्केट जैसा डिज़ाइन आपको दिखने वाला है। मैं आपको यहाँ पर एक बनाना बताऊंगी सेम ऐसे ही, और देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है ये पायल। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इस पायल को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले गाइस, मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन भी बताती जाऊँगी। अगर आपके पास ऐसे मटेरियल्स नहीं मिल पाते हैं तो इसका एक ऑप्शन भी मैं बता दूंगी। गाइस, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मटेरियल बता देती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इतने मटेरियल ले रखे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर ऑप्शनल के लिए मैंने बहुत से मटेरियल्स ऐसे लिए हुए हैं। अभी मैं आपको वन बाय वन सब दिखाऊंगी। यहाँ पर मेरे पास सिल्वर कलर की पर्ल है और यहाँ पर ऐसे घुंघरू हैं जिनको मैंने ऐसा खोल लिया है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कॉपर वायर लिया हुआ है। ये देखिए, इजली भी आपको मिल जाएगा। आपके घर में कोई पुराने वायर होंगे तो उसके अंदर ऐसा वायर होता है, तो आप वहाँ से भी ये वायर निकाल सकते हैं। तो मैंने इसे ऐसे दो किया हुआ है। अब हम इसे ऐसे, अब अपने लड्डू गोपाल की जो मतलब पैर जो होता है उसका एक मेजरमेंट ले लीजिएगा। मैं आपको इस ब्रश की हेल्प से बता देती हूँ। जैसे कि ये ब्रश है, तो आप ऐसा ये तार लगा कर देख लीजिएगा। तो थोड़ा सा ये हल्का हमें, मतलब मेरे जो लड्डू गोपाल है उनका इतना आता है जितना कि मैंने यहाँ पर तार लिया हुआ है, उनके मेजरमेंट के हिसाब से लिया हुआ है। तो आप ऐसा तार लगा कर कि उनके पैरों में देख लीजिए। और हमें यहाँ पर हुक बनाना है तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ता है। तो इस टाइप से हमारा बन जाएगा। तो चलिए इसमें बताती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। तो मैं यहाँ पर इसमें यहाँ पर थोड़ा सा इसे एक कड़ी टाइप की बना लूँगी। तो मैं थोड़ा सा इसे ऐसे मोड़ लूँगी, छोटा सा कड़ी हमें बनाना है। इसके बाद ये देखिए, ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे और यहाँ पर एक कड़ी हो जाएगी। हमें सिर्फ मोड़ देना है। यहाँ पर फिर हम ये सिल्वर कलर की मोती लेंगे। ये देखिए, मैं बिल्कुल ऐसे ही पायल आपको बनाना बताऊँगी। तो ये देखिए, हम इस तार को दोनों को एक करके और ऐसा मोती पिरो लेंगे। चलिए, तो ऐसे मैं मोती पिरो लेती हूँ। फिर इसके बाद हम यहाँ पर ये डबल मोती है मेरे पायल पे, मैं इसमें डबल मोती ऐसे डाल लूँगी। ये देखिए, इसके बाद मेरे पास ये घुंघरू है। अब मैं इसका एक ऑप्शन आपको बता देती हूँ। देखिए, आपको मार्केट में ऐसे वाले घुंघरू भी मिल जाते हैं और इस प्रकार से भी घुंघरू मिल जाते हैं। अब आपको जो मिल जाए आप उसी से बना लीजिएगा। मुझे ये वाले घुंघरू ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं इससे बना लेती हूँ। बाकी इससे भी मैंने बना करके ट्राई किया था तो इससे बिल्कुल ऐसा ही लुक आता है हमारी पायल का। तो हम इस वाले घुंघरू से बना रहे हैं आज। तो ये देखिए, इस टाइप से हम इसे बनाते जाएंगे और पिरोते जाएंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत ही जल्दी। मैं आपको इसीलिए सब बना करके जल्दी जल्दी से दिखा रही हूँ कि बहुत ही जल्दी बन जाता है। मतलब मुश्किल से 2 मिनट का टाइम लग जाता है बस, और बाकी बनती बहुत सुंदर पायल है। तो चलिए मैं इसे इस प्रकार से पिरो लेती हूँ। तो चलिए मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि पिरोने के बाद हमारी पायल किस प्रकार से दिख रही है। ये देखिए, इसे एक करके हम ऐसे इसमें घुंघरू वगैरह डालते जाएंगे। तो देखिए, इस प्रकार से हमारी जो पायल है वो बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रही है। आप अपने मेजरमेंट के, ठाकुर जी के पैरों के मेजरमेंट के हिसाब से बनाइएगा गाइस। तो चलिए मैं इसे पिरो लेती हूँ, फिर आपको हुक बनाना बताती हूँ। देखिए, हमने यहाँ पर पायल को पिरो लिया है। हमें इतनी ही घुंघरू की जरूरत है क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल के जो पैर है उनका मेजरमेंट इतना ही है। तो ये देखिए, अब यहाँ पर हमने एक हुक बनाया हुआ था। ये देखिए, मतलब एक होल टाइप का हुक बनाया था। अब हम यहाँ पर इसे ऐसे ही इस हुक पे ही ऐसे डाल करके और एक छोटा सा हुक बना लेंगे जो कि बहुत ही इजी है इसे बनाना। तो पहले हम इसमें डाल लेते हैं, इसके बाद ऐसा इसे थोड़ा सा ऐसा हुक दे देते हैं। अब ये निकालने में और पहनाने में भी इजी आएगा और इस प्रकार से हमारा हुक बन के रेडी हो जाएगा। पर आपको यहाँ पर थोड़ा केयरफुली बनाना होगा इस हुक को, ताकि हमारे ठाकुर जी के पैरों पे लगे ना। ये देखिए, तो आप इसे निकाल सकते हैं, मतलब जैसे कि हम बेसिक पायल पहनते हैं वैसे ही हुक इस पे भी लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारी जो पायल है वो देखिए फटाफट बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही सुंदर लग रही है। और सबसे अच्छी बात है गाइस कि अगर आपके पास इस प्रकार के घुंघरू नहीं है तो आप ये वाले घुंघरू भी यूज़ कर सकते हैं, ये मार्केट में मिल जाते हैं। मैंने इस घुंघरू से भी बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने बोला एक बार आपको इस घुंघरू से बता देती हूँ। ये मुझे भी मार्केट में मिल गए थे और ये सिल्वर कलर की, तो वैसे ही हमें मोतियाँ मिल ही जाती हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगती हैं। सो आई होप गाइस आपको हमारा ये पायल का आइडिया पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की ऐसी ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।